नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम आज नेचुरल तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करके आम किस प्रकार से पकाने हैं उसका विधि जानेंगे। ज़्यादातर हम बाज़ार में से जो आम लाते हैं वो दिखने में अच्छे कलरफुल रहते हैं, लेकिन वो केमिकल का प्रयोग करके पकाए जाते हैं जो कि 2 से 3 दिन में पक जाते हैं। लेकिन अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आम पकने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन इससे शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। बाज़ार से जो आम लाते हैं उससे केमिकल का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। इसके लिए हम लेंगे, मैंने लगभग ये 10 लीटर गुनगुना पानी लिया है। इसमें मैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मतलब 20 ग्राम हल्दी का प्रयोग करूंगा। लगभग 20 ग्राम हल्दी ऐड कर ली है मैंने इसमें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। अब हमें एक एक करके इसमें ये आम रख देना है। इसमें इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी प्रकार से इसमें थाल के रख देंगे। अब इसे 15 मिनट हो गए हैं, हमने गुनगुने हल्दी के पानी में रखा था। अब हम इसे एक एक करके सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद हमें इसे साफ करके कैरेट में या फिर बॉक्स में पेपर में रैप करेंगे। अब ये अच्छी तरह से सूख गए हैं, हम इसे कपड़े के माध्यम से साफ करके एक एक करके इसमें रख देंगे। इसके लिए हम ये बॉक्स लिया है, इसके अंदर हम अच्छे से पेपर बिछा देंगे नीचे। पेपर के ऊपर इसे एक एक करके साफ करके इस प्रकार से रख देंगे। आम के अंदर नेचुरल इथिलीन गैस होता है जो कि स्मेललेस होता है, ओडरलेस। ये यहाँ से ये जो आम की डंठल है यहाँ से बाहर निकलता है और ये धीरे धीरे से यहाँ से इस तरह से आम पकना शुरू हो जाता है। इस विधि में आम पकने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार से पेपर डाल देंगे। आयुर्वेद में हल्दी का बहुत महत्व है। हम वैसे भी हमारे रोज के आहार में हल्दी का सेवन करते हैं, तो इसके उपयोग से
हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। हल्दी के इस्तेमाल से हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ये हम हमारे रोज के आहार में भी लेते हैं और इससे पके हुए आम बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं। अब इसे हम ऊपर से पेपर के माध्यम से अच्छी तरह से ढक देंगे और इसे अच्छी तरह से पैक करके किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं होता हो। आइए, 10 दिन पहले हमने हल्दी का प्रयोग करके जो आम इस पकाने के लिए रखे थे वो किस प्रकार से हुए तैयार हुए या नहीं वो देखेंगे। देखिए कितने बेहतरीन आम पककर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आपको आम खाने की जल्दी नहीं है तो आप किसी प्रकार से आम पकाइए, क्योंकि नेचुरल तरीके से मतलब हल्दी का इस्तेमाल करने से शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। हल्दी एक आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तैयार आम में थोड़ा ऐसा जब भी नेचुरल तरीके से पकाया हुआ आम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जबकि जो बाज़ार में केमिकल से आम पकाए जाते हैं वो एकदम ताज़ा दिखते हैं और जिसमें चमक भी अच्छी तरह से रहती है। मैं मानता हूँ कि दोनों की टेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन इससे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसमें समय लगता है आम तैयार होने में, लेकिन कम से कम जहर तो नहीं जाएगा शरीर के अंदर। व्यापारियों को आम पकाने की और बेचने की जल्दी रहती है, इसलिए वो केमिकल का प्रयोग करते हैं। हम व्यापारियों से ही आम खरीदेंगे, लेकिन वो सस्ते भी मिलते हैं हमें और इस विधि का हम उसमें प्रयोग करेंगे तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम पका सकते हैं। और ये चीज़ें जो है हमने जो इसमें पकाने में इस्तेमाल की है वो सभी हमें आसानी से घर पर ही अवेलेबल होती है। इतना बेहतरीन पक गया है। आज हम देखते हैं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी छोटे बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सभी वर्गों में हमें दिखती है। कम से कम इस प्रयोग से हमें कुछ तो लाभ होगा। देखिए बेहतरीन कलर आ गया है इसमें और आम भी पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। आम ऐसा फल है, हम इसका जो पल्प रहता है ये छाल के साथ डायरेक्टली खींचते हैं तो मुंह के संपर्क में आता है, इसलिए ये केमिकल का प्रयोग करने से इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। और जबकि बाकी जो फल है जैसे केले, इसकी हम छाल उतार कर खाते हैं तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि नेचुरल तरीके से आम पकाइए जिससे कि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियो हम बना सकें। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।